the impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. To the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons, the order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the constitution without lawful authority and of no legal effect. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मैच पवेलियन में बैठी पीटीआई जीत गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। पिशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अरकान ने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार है। निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। 39 अरकान पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। बाकी 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत बेंच के 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान ने अपने नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नशिस्त भी ना जीत सकी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट आइन में मस्नूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, नाम सियासी पार्टी लिस्ट में है। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। गलत पार्टी इंतखाबात पर बल्ले का निशान वापस किया। पीटीआई की खुशियों का चांद चढ़ गया। अदालती फैसले को तारीखी करार दिया। उमर अयूब का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन ने आईनी तशरीह जाती मफाद पर की। बैरिस्टर गोहर बोले इंट्रा पार्टी इंतखाबात बदनीयती पर कलदम करार दिए गए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। जो अदालती फैसले हैं वो आम फहम होने चाहिए। फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मुफाद के खिलाफ होते हैं। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। राणा सनाउल्ला कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। उस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अदालती फैसले पर हैरान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुभ है। वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दाहिर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अपील दायर ना करने का ऐलान। पीटीआई से खैर सगाली का इजहार। मौलाना ने दोनों जमातों के ताल्लुकात में मुफीद पेशरफ्त की उम्मीद लगा ली। कहते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त मुफीद साबित होगी। किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लाडला है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने पीटीआई की पुष्ट पनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, उस शख्स को सादिक को अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया। 2018 के इंतखाबात में उसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। लगता है लाडलाइज्म आज तक जारी है। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शिरजील मेमन का रद्द अमल। कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अमल किसी से छुपा नहीं।
साकिब निसार ने बानी पीटीआई की पुश्त पनाही की। एक झूठे शख्स को सादिक और अमीन का खिताब दिया गया था। फैसले से आईन, जमहूरियत और कानून को नुकसान पहुंचा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मकबूलियत का फैसला कह सकते हैं आईनी नहीं, दरख्वास्त में पीटीआई थी नहीं, उन्हें सीटें मिल गईं। अदालती फैसले के बाद कौमी असेंबली में नंबर गेम तब्दील। पीटीआई पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 मखसूस नशस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 109 होने का इम्कान। पीटीआई की नशस्तों के बाद अपोजिशन का नंबर 120 होगा। नून लीग के 209 अरकान पर मुश्तमिल इत्तेहाद को बढ़तरी रहेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशस्तों में से लीगी अरकान 108 हैं। पीपल्स पार्टी के 68 और एमक्यूएम अरकान की तादाद 21 है। पंद्रह दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहा पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी, चंद दिन में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े होंगे, फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी, बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब और गलियां नाले बन गए। डेविस रोड, मेन चुबुर्जी रोड, ताजपुरा स्कीम पानी पानी हो गई। लॉरेक्स कॉलोनी, फतेहगढ़, शाह जमाल और अल्लामा इकबाल रोड नदी नाला बन गया। लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड और पीको रोड से मुनका सड़कें डूब गईं। दरबार रोड, भाटी चौक की सड़कें भी गुम हो गईं। हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब बन गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। वक्फे वक्फे से बारिश जारी, 355 फीडर्स ट्रिकर गए। लाहौर में कहा कितनी बारिश हुई, तफसील सामने आ गई। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, पिछले बरस 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नेशनल टाउन 162, मुगलपुरा 145, गुलशन रावी में 151 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, करतबा चौक में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 151, इकबाल टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। नवाब टाउन में घर की छत गिरने से 2 साल बच्चा जाम बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, गुजरात, जहलम में जल थल एक हो गया। जहलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड गिर गए। फैसलाबाद, हसन अब्दाल, टेक्सला, कसूर में भी बादल खुलकर बरसे। तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मानसून का मौजूदा स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग से मुतल्लिक एफआईए की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मुतअद्दिद कंपनीज को सार्फीन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ। रिपोर्ट में डिस्कोस और जिम्मेदारों का तायुन भी किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को कुछ सिफारिशात भी दी। शहबाज शरीफ रिपोर्ट पर जल्द एक्शन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वीट बोर्ड में किसानों की शमूलियत का हुक्म। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, पास्को की निजकारी के हवाले से लाहेमल बनाने का हुक्म। गंदम खरीदारी पर मुतबादल हुकमत अमली की हिदायत, कहा फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए। डेडलॉक बरकरार, फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में हड़ताल जारी। सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा। दुकानों पर आटे के थैलों का स्टॉक तेजी से कम होने लगा। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स वापस न लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को मिसमार करने का हुक्म। भट्टों पर नोटिसेस लगा दिए जाएं, खिलाफवर्जी पर भट्टों को गिरा दें। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। भट्टों से आलूदगी पैदा होने वाले जिला के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने लाहौर आने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि गजा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए। बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।
افغانستان میں خواتین کی موجودہ صورتحال پر بھی اظہار تشویش۔ امریکی صدر کی مباحثے کے بعد پہلی کانفرنس مذاق بن گئی۔ جو بائیڈن کے اعصاب پر ٹرمپ اور پیوٹن سوار۔ جو بائیڈن نے یوکرینی صدر کو روسی صدر بنا دیا۔ نائب صدر کیملا ہیرس کو ٹرمپ کہہ دیا۔ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بھولتے بھی رہے۔ ٹرمپ آیا تو دنیا کے لیے تباہی ہوگی۔ پہلے بھی ٹرمپ کو ہرایا، اب بھی ہراؤں گا۔ جو بائیڈن کا اس بار پھر الیکشن کی دوڑ سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ کہا وہ صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ الیکشن جیتنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں پاکستان کی تین بہنوں نے پاور لفٹنگ میں تاریخ رقم کر دی۔ مختلف کیٹیگریز میں چار چار گولڈ میڈل جیت لیے۔ ٹوئنکل سہیل نے اپنی کلاس میں کلین سویپ کیا، چاروں گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ ویرونیکا سہیل اور سبیل سہیل نے بھی اپنی اپنی ویٹ کیٹیگری میں چار چار گولڈ میڈلز جیتے۔